देखो बेटा, नो कंपाउंड कैन बी नो कंपाउंड कैन बी 100% आयनिक, 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होता। तो इसमें वी कैन से कोवेलेंट कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर इज डेवलप्ड इन द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा बेटा। अब देखो वो जो डेवलपमेंट ऑफ दिस कोवेलेंट कैरेक्टर, दिस प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स इज एक्सप्लेन बाय फजान्स रूल एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स इज एक्सप्लेन्ड बाय फजान्स रूल। फजान्स रूल एक्सप्लेन करेगा बेटा एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई रूल नहीं पूछेगा तुम्हारे से कि फजान्स रूल को स्टेट करो, बट इट की इसकी एप्लीकेशन आएंगी कि हाउ फजान्स रूल इज एप्लीकेबल। अब देखो फजान्स रूल क्या होता है बेटा, नाउ सी द स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ स्मॉलर कैटायन approaches, when a smaller cation approaches to the when a smaller cation approaches to a larger anion, then it distorts then it distorts the electron cloud of anion towards itself। जब एक बहुत छोटा कैटायन बड़े एनायन के पास अप्रोच करेगा तो इट डिस्टोर्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दिस डिस्टोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज पोलराइजेशन एंड दिस this distortion of electron cloud this distortion of electron cloud is known as polarization। इज नोन एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब उसके एनायन के, ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा तो उसको कैटायन, कैटायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टोर्ट कर लेगा और उस डिस्टोर्शन को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। एंड द एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। दैट इज एबिलिटी ऑफ अ ability of a cation
टू डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज. उसको बोलेंगे बेटा अपन पोलराइजिंग. Ability of a cation to distort the electron cloud of anion is known as polarizing power. और ये जो polarizing power होगी वो directly proportional होगी covalent character के. तो देखो इसमें कैसे covalent character होगा. Covalent bond जो बनता है अपने पास, covalent bond is formed by sharing of electrons. और ionic compound, ionic bond जो बनता है बेटा अपने पास, ionic bond is formed by transfer of electrons. तो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है. अब मान लो ये तुम्हारे पास एनायन है, ये यहाँ पे एनायन है, तो एनायंस आर लार्जर देन द पेरेंट एटम. और ये तुम्हारे पास उसके बगल में बहुत छोटा सा ये छोटे वाला कैटायन है. अब ये कैटायन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करेगा अपनी तरफ. देखो ऐसे बन जाएगा, ये कैटायन तो इसी शेप पर रहेगा ये, और ये जो एनायन है एनायन का धीरे धीरे इसकी तरफ यूं डिस्टोर्शन हो जाएगा. इस तरीके से तो ऐसा मतलब इट सीम्स ऐसा दिखेगा कि इन दोनों कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है. इसको बोलते हैं डिस्टोर्शन. डिस्टोर्शन मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रेक हो जाएगा बेटा. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रेक होगा तो ऐसा दिखेगा, इट सीम्स दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस. यहां से इट सीम्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस. इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, और शेयरिंग किसके अंदर होती है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर. शेयरिंग टेक्स प्लेस इन द कोवेलेंट बॉन्ड. तो इसको बोलते हैं अपन फजांस रूल, कि डिस्टोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, डिस्टोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय द कैटायन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज डिस्टोर्शन. एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज पोलराइजिंग पावर. और पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर. मोर इज द पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर. अब देखो पोलराइजिंग पावर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोलराइजिंग पावर. फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर, फर्स्ट साइज ऑफ कैटायन. देखो बेटा कैटायन जितना छोटा होगा, कैटायन जो जितना छोटा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होगी, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा होगी. तो इसका मतलब डिस्टोर्शन भी ज़्यादा होगा, हैंस पोलराइजिंग पावर विल बी हायर. तो स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, smaller is the size of cation, more will be polarizing power. और polarizing power जितनी ज़्यादा होगी बेटा covalent character भी इतना ही ज़्यादा होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि polarizing power PP और polarizing power is inversely proportional to the साइज ऑफ कैटायन. कैटायन जितना छोटा होगा उसको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा होगी, हेंस वी कैन से दैट पोलराइजिंग पावर विल बी हायर. उसकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा होगी बेटा. अब उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है अपने पास एनायन का, साइज ऑफ एनायन.
देखो बेटा, एनायन जितना बड़ा होगा, एनायन जितना बड़ा होगा तो इसका मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इतनी इजीली ब्रेक हो जाएगा, उसको ब्रेक करना कैटायन के द्वारा आसान होगा, तो इसका मतलब पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा होगी। तो लार्जर इज द एनायन, लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन, मोर इजिली विल बी द डिस्टॉर्शन। लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन, मोर इजी विल बी द डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इतना ही आसान होगा, हेंस हेंस वी कैन से मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इतना ही ज़्यादा होगा, तो वी कैन से पोलराइजिंग पावर पीपी, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन, एनायन की साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा पोलराइजिंग पावर। ये दो फैक्टर्स साइज का कंसेप्ट में। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन द आयंस। थर्ड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो चार्ज जितना ज्यादा होगा बेटा आयंस के ऊपर, मान लो कैटायन है तो कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा तो कैटायन इतना ही छोटा होगा, और एनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा एनायन इतना ही बड़ा होगा, तो इसका डिस्टोर्शन क्या कह सकते हैं अपन, जितना छोटा कैटायन है इतना ही ज्यादा, और जितना बड़ा एनायन है इतना ही ज्यादा डिस्टोर्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जितने ज्यादा होंगे, मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। More is the magnitude of charges on the ions, either it is cation or anion. More will be polarizing power. देखो अपन ने आयनिक साइज के अंदर पढ़ा था कि आयनिक साइज के अंदर कैटायन के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो इतना ही छोटा होगा, कैटायन के ऊपर कैटायन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव वो इतना ही बड़ा, ये इतना ही सॉरी छोटा होगा, कैटायन जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो इतना ही छोटा होगा, और एनायन पर जितना ज्यादा नेगेटिव वो इतना ही बड़ा होगा। तो देखो इसका डिस्टोर्शन इतना ही आसान हो जाएगा बेटा, तो डिस्टोर्शन जितना इजी हो जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी हायर। तो ये रोल होगा इसके अंदर साइज, ये सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, कि चार्ज का क्या रोल प्ले करेगा, कि जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर, फोर्थ फैक्टर अपन देखते हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। देखो बेटा स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और इनर्ट गैसेस का मतलब आपने पढ़ा है कि ये नोबल गैसेस, मतलब नोबल गैसेस के जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो, और स्यूडो इनर्ट गैस मतलब फॉल्स नोबल गैसेस की, रियल में नोबल गैसेस के जैसे नहीं है, फॉल्स नोबल गैसेस के जैसे रिलेशन हो। तो स्यूडो जिन कैटायंस की स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी उनकी पोलराइजिंग पावर, कैटायंस हैविंग स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हैव मोर पोलराइजिंग पावर, उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी किसके कंपेरिजन में, जिन कैटायंस की इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे अपन देखें डिफरेंट कि क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, कि कैटायंस पोलराइजिंग पावर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सूडो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन ऑफ कैटायन, कैटायन की सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन की तरह होगी। अब देखो बेटा कैसे, अपन अपने पास दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड है, दोनों एक जैसे हैं। देखो इसके अंदर एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक तो है अपने पास CuCl और एक है NaCl। अब देखो बेटा रेडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप कॉपर, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर माइनस वन चार्ज है, यहाँ पे भी क्लोरीन पे माइनस वन चार्ज है, यहाँ पे Na के ऊपर प्लस वन चार्ज है, कॉपर के ऊपर भी प्लस वन चार्ज है। तो देखो चार्ज का कंसेप्ट तो हम लगा ही नहीं सकते, तो थर्ड पॉइंट तो हमारा कट गया। उसके बाद साइज ऑफ एनायन, एनायन की साइज बेटा दोनों में सेम है, एनायन की साइज दोनों में सेम है, तो एनायन की साइज दोनों में सेम है तो उसका भी कंसेप्ट नहीं लगा सकते हम। उसके बाद बात करते हैं अपन कैटायन, तो कैटायन देखो कॉपर तो फोर्थ पीरियड में आता है और सोडियम आता है थर्ड पीरियड के अंदर, तो इससे आप एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पाओगे कि साइज के अंदर नेट क्या है। अब देखो साइज से अगर एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन, देखो कॉपर का प्लस वन कॉन्फिग्रेशन है यहाँ पे, तो कॉपर की जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन होती है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन ये होती है बेटा कॉपर की 4s1 3d10 4s1 3d10। अब देखो कॉपर प्लस की बनेगी जो कॉन्फिग्रेशन, तो वन आउटर मोस्ट सेल से ये वन इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, तो इसकी जो कॉन्फिग्रेशन बनेगी 3p6 कॉन्फिग्रेशन होगी, और ये 3p से पहले 3s भी आएगा इसमें, 3s2 थर्ड सेल पूरा भर गया इसके अंदर, 3s2 3p6 3d10। देखो अब d10 थोड़ी आता है फाइनली, इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन तो ये है अपनी, लेकिन इसमें d10 भी है लेकिन फुल भरा हुआ है, इसलिए हम ऐसी कॉन्फिग्रेशन को बोलते हैं, दिस कॉन्फिग्रेशन इज नोन एज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन। अब देखो सोडियम की देखते हैं अपन, तो सोडियम की कॉन्फिग्रेशन अपने पास Na की जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन है बेटा, Na की ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन है 3s1 और यही लूज कर देगा, तो Na प्लस की जो अपने पास बनेगी, Na प्लस की बनेगी 2s2 2p6 और 3s हो गया 0। अब देखो 2s2 और 2p6 ये अपने पास, दिस कॉन्फिग्रेशन बिलोंग्स टू इनर्ट गैस, ये नियोन के जैसे बन गई बेटा इसके अंदर इनर्ट गैस की जैसे। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। उसकी पोलराइजिंग पावर क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3d इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अंदर होंगे और अंदर होने की वजह से इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, और शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी, ये इसके अंदर मेन रीजन होगा इसका। देखो क्या है, यहां पे अपना कंसेप्ट हो गया कि इन सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इज पुअर, इसमें 3d इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, जैसे कॉपर की बात कर रहे हैं अपन, ये कॉपर प्लस वन, तो 3d इलेक्ट्रॉन्स इज पुअर हैंस, तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है रिपल्शन क्रिएटेड बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स और द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वजह से साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे पुअर है तो हैंस देयर साइज विल बी स्मॉलर, तो साइज स्मॉलर तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। तो ये कंसेप्ट लगाएंगे बेटा अपन इसके अंदर, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन दोबारा से देख लो एक बार, सूडो, सूडो का मतलब है अपने पास, सूडो मीन्स फॉल्स, तो इन मतलब रियली में वो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन नहीं है, बट इट सीम्स टू बी इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन। इनर्ट गैस का मतलब है उसके जो सारा सेल इलेक्ट्रॉन्स है वो फुल भरे हुए हैं बेटा इसमें,
तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन। अब देखो कैसे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कॉपर क्लोराइड का और NaCl का, तो क्यूप्रस क्लोराइड और NaCl, तो ये जो CuCl है, CuCl में कॉपर के ऊपर प्लस वन चार्ज है और सोडियम NaCl में भी Na के ऊपर प्लस वन चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर सेम है। अब देखो एनायन की साइज का कंसेप्ट हम इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि एनायन तो दोनों में सेम हो गया। फिर उसके बाद चार्ज ऑन एनायन के ऊपर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि चार्ज दोनों में सेम है। फिर उसके बाद चार्ज ऑन कैटायन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कैटायन में दोनों के ऊपर प्लस वन चार्ज है। अब अपने पास या तो लगाएंगे हम साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, अब या तो तुम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर पाओ कि एनए और कॉपर में साइज किसकी कम है, तो जिसकी साइज कम होगी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। तो देखो कैसे होता है बेटा, इसमें जो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन है, ये है कॉपर की ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन है 4s1 3d10। तो कॉपर प्लस वन जब बनेगा तो एस में से एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, एस में से इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसकी बन गई 3s2 3p6 3d10। अब देखो 3s2 3p6 तो इनर्ट गैस के लिए होती है, ये होगी अपने पास आर्गन इनर्ट गैस के लिए, ये कॉन्फिग्रेशन, दिस इज फॉर आर्गन। अब देखो आर्गन की, तो आर्गन तक तो ठीक है बेटा, लेकिन उसके बाद 3d10 भी आ रहे हैं और 10 फुल भरे हुए, तो ये सही रियली में ऑर्गन के जैसे नहीं है, लेकिन फुल्ली फिल्ड है ऑर्बिटल्स, इसलिए हम इसको बोल देते हैं स्यूडो इनर्ट गैस, तो इसलिए तो स्यूडो लगा रहे हैं उसके आगे फॉल्स। तो इसमें क्या होगा कि ये जो 3d10 फुल भरे हुए होंगे, टोटल शेल इसमें थे चार। अब ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डी ऑर्बिटल्स दे आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होंगे, तो उनका 3d इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होगा बेटा, शील्डिंग का मतलब रिपल्शंस, वो रिपल्शंस कम होंगे, रिपल्शंस कम होंगे तो साइज छोटी होगी, साइज छोटी होने की वजह से पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, स्मॉलर विल द साइज देन पोलराइजिंग पावर मोर, और पोलराइजिंग पावर मोर होगी हेंस मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, ये कंसेप्ट लगेगा बेटा इसमें। नाउ से एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम्हारे तुम पहचान नहीं पाओगे इसमें, गलती करोगे, गलती क्या करोगे तुम, ये सोचोगे नहीं, फजांस रूल याद नहीं आएगा, और कॉमनली पूछा जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सप्लेन करो। या देखो कैसे, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है LiF, LiCl, LiBr, LiI। अब देखो लिथियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है बेटा, तो लिथियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, तो लिथियम के ऊपर जो चार्ज आएगा, देखो Li के ऊपर प्लस वन चार्ज है, यहाँ पे भी सब में Li के ऊपर फर्स्ट ग्रुप का है, तो उसके कंपाउंड्स में लिथियम पे फिक्स है, प्लस वन चार्ज रहता है, और हैलोजन्स के ऊपर माइनस वन चार्ज। तो देखो इसमें चार्ज का कंसेप्ट बता लगा सकते हैं बेटा अपन कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए? नहीं लगा सकते। तो देखो यहां से यहां तक कैटायन भी सेम है, यहां पे कैटायन सेम है, लेकिन एनायन की साइज देखो, ग्रुप में साइज टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ती है, तो साइज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, तो साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगी तो पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीजेस, और पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी तो वी कैन से कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीजेस। तो इसके अंदर मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा बेटा LiI में, फिर ये, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। इस तरीके से फजांस रूल को अप्लाई करेंगे हम। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका अपन, जिसमें अब एनायन को अपन सेम रखते हैं, कैटायन को अलग अलग कर देते हैं, कैटायन अलग अलग कर दिया, जैसे अपने पास LiF ऐसे ग्रुप वाइज लिख देते हैं, और LiF और LiCl NaCl KCl RbCl CsCl। देखो बेटा इसमें एनायन सब में सेम है, एनायन सेम, चार्ज भी दोनों में सेम है, चार्ज कैटायंस के ऊपर प्लस वन है और एनायंस के ऊपर माइनस वन है, तो ये कंसेप्ट हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें अपने पास अलग क्या हो गया, कैटायन,
तो कैटायन की साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट कैरेक्टर, तो ये कैटायन छोटा है, तो टॉप टू बॉटम क्या कह सकते हैं हम, टॉप टू बॉटम साइज ऑफ कैटायन, टॉप टू बॉटम साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, कैटायन की साइज इंक्रीज हो रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर साइज इंक्रीज तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीजेस, मतलब सीजियम क्लोराइड सब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ये ऑर्डर आएगा। अब देखो बेटा इसमें चार्ज की अगर बात करें, चार्ज की बात करें तो ये मान लो कि एनायंस ले लें अपन अलग अलग, एनायंस अलग अलग ले लिया, ये फॉर एग्जांपल AlF3 एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, Al2O3 एल्यूमिना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक ले ले AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, AlN इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब देखो बेटा इसमें एल्यूमिनियम के ऊपर यहाँ भी एल्यूमिनियम पे प्लस थ्री चार्ज है, यहाँ भी प्लस थ्री चार्ज है, यहाँ भी प्लस थ्री चार्ज है, तो एल्यूमिनियम का कंसेप्ट हम चार्ज का नहीं लगा सकते, एल्यूमिनियम की साइज भी उसी तरीके से सेम होगी। अब देखो फ्लोरीन की बात करें तो हैलोजन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है उनके कंपाउंड्स में, फ्लोरीन में -1, ऑक्सीजन के मेटल के साथ -2, एल्यूमिनियम का नाइट्राइड के अंदर -3, तो इसका मतलब इसमें जो कंसेप्ट लगेगा अपने पास चार्ज ऑफ एनायन का लगेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपन लेफ्ट टू राइट क्या बोल सकते हैं इसमें बेटा, लेफ्ट टू राइट जब यहाँ से हम यहाँ मूव कर रहे हैं तो चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेस, चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेस, एनायन के ऊपर चार्ज इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर, चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेस तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस तो वी कैन से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि पोलराइजिंग पावर था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कैटायन हो एनायन हो, लेकिन इसके अंदर एनायन का कंसेप्ट लगेगा तो इसके अकॉर्डिंग बताएंगे बेटा अपन। अब मान लो कैटायन के लिए लें अलग अलग, ये तो कैटायन अपने पास सेम था, फॉर एग्जाम्पल NaCl, NaCl MgCl2 एन AlCl3, तो NaCl के अंदर Na के ऊपर देखो बेटा अपने पास कितना चार्ज है, Na के ऊपर +1 चार्ज है और मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, Na के ऊपर +2 चार्ज है और Al के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पे Al के ऊपर +3 चार्ज है। अब देखो एनायन इनमें सेम है, एनायन में सबके ऊपर -1 चार्ज है, तो ना तो एनायन के साइज का कंसेप्ट लगा सकते, अब इसमें कैटायन का चार्ज हो तो कैटायन के ऊपर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा, तो टॉप टू बॉटम क्या कह सकते हैं हम, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, कैटायन के ऊपर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा उसमें पोलराइजिंग पावर, चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर भी, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे बेटा अपन। एनी डाउट इन दिस? नो सर, नो सर। आयनिक कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्युबल इन वॉटर, एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स के कंपैरिजन में आयनिक कंपाउंड्स ज्यादा सोल्युबल होंगे बेटा। अब सबसे पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा,
अब देखो जैसे अपने पास एक तो ले लें सिल्वर सल्फाइड Ag2S और दूसरा ले लिया सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। अब देखो Ag के ऊपर यहाँ प्लस वन चार्ज है, यहाँ पे भी Ag पे प्लस वन चार्ज है, सल्फर के ऊपर माइनस टू, यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी माइनस टू। अब देखो चार्ज का कंसेप्ट लगा नहीं सकते हम, कैटायन दोनों में सेम है उनके ऊपर भी कंसेप्ट नहीं लगा सकते, तो अपने पास डिफरेंट क्या है सल्फर और ऑक्सीजन, तो सल्फर और ऑक्सीजन सेम ग्रुप के मेंबर है, तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, तो साइज इंक्रीजेस तो सल्फर की साइज ज़्यादा, तो सल्फर की साइज ज़्यादा तो Ag2S में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, Ag2S इज मोर कोवेलेंट, Ag2S मोर कोवेलेंट क्यों होगा, बिकॉज साइज ऑफ सल्फर इज लार्जर, तो Ag2S मोर कोवेलेंट होगा, तो वी कैन से दैट Ag2S इज लेस सोल्यूबल देन Ag2O इन वाटर। ये हो गया इनका सोल्यूबिलिटी इन वाटर। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, तो Ag2S लेस सोल्यूबल होगा एज कंपेयर टू Ag2O। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अलग अलग लें अपन, आयरन के लिए आयरन की हाइड्रोक्साइड ले ली FeOH ऑल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड है एक तो, और एक ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम अस लगाते हैं, तो ये फेरस हाइड्रोक्साइड है। अब देखो बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड में आयरन पे प्लस थ्री चार्ज है और इसमें प्लस टू चार्ज है, तो हम क्या कह सकते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड इज, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज मोर कोवेलेंट, क्योंकि OH के ऊपर तो दोनों में माइनस वन चार्ज है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जब मोर कोवेलेंट हो गया तो दिस इज मोर कोवेलेंट, हैंस सोल्यूबिलिटी की अगर बात करें इसमें हम, तो सोल्यूबिलिटी विल बी सोल्यूबिलिटी ऑफ FeOH ऑल थ्राइस इज लेस देन FeOH ऑल ट्वाइस, तो इसके अकॉर्डिंग अपन सोल्यूबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। एनी डाउट इन दिस सोल्यूबिलिटी बेटा? बोलो बेटा सोल्यूबिलिटी समझ में आया नहीं आया कोवेलेंट कैरेक्टर से, हाउ इट इज रिलेटेड विद द कोवेलेंट कैरेक्टर? आ गया सर। देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन, दिस इज एप्लीकेशंस ऑफ फजान्स रूल, फर्स्ट इसको अपन मेंशन कर देते हैं, दिस इज फर्स्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, फर्स्ट इज कोवेलेंट कैरेक्टर, सेकेंड इज सॉल्युबिलिटी। थर्ड थर्ड इज मेल्टिंग पॉइंट, हाउ मेल्टिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट इतना ही ज़्यादा होगा उसका, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस और एनायंस क्या होगा ज़्यादा होगा, वी कैन से मोर इज द More is the ionic character more will be more is the ionic character more will be the electrostatic मेल्टिंग पॉइंट,
मोर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना आयनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ही ज़्यादा होगा, हैंस वी कैन से दैट हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ही हाई होगा। बेटा देखो कैसे मेल्टिंग पॉइंट के कंसेप्ट को लगाएंगे अपन। मान लो एक आपके पास है कैल्शियम क्लोराइड और एक है कैल्शियम फ्लोराइड, CaCl2 and CaF2। अब इसमें आपको मेल्टिंग पॉइंट का पता लगाना है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखो कैटायन की साइज़ की भी आप आयनिक कैरेक्टर जज नहीं कर सकते, ना ही चार्ज, चार्ज सब में सेम है, +2 +2 -1 -1 एक पे क्लोरीन पे। अब इसमें अपना कंसेप्ट लगेगा किसका, एनायन की साइज़ का, तो एनायन की साइज़ क्लोरीन में ज़्यादा है, एनायन की साइज़ क्लोरीन में ज़्यादा है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि क्लोरीन के अंदर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट जो इसका ज़्यादा होगा CaF2 का। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि क्लोरीन की साइज़ ज़्यादा तो वी कैन से दैट दिस इज मोर कोवेलेंट, ये ज़्यादा कोवेलेंट होगा बेटा, ज़्यादा कोवेलेंट बिकॉज साइज ऑफ Cl इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा होगी बेटा इसकी साइज। उसके बाद जैसे ये तो अपन ने क्या था, इसके अंदर अपन ने हैलोजन को अलग अलग किया था, एलिमेंट सेम था। अब हैलोजन को सेम कर दें अगर, तो हैलोजन को सेम कर दें, फॉर एग्जांपल BCl2 बेरिलियम क्लोराइड, MgCl2 बेटा मांगे कन्या, CaCl2 SrCl2 राजी रेडियम, BA बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब देखो बेटा इसमें यहाँ से जब यहाँ तक चल रहे हैं तो एनायन तो सब में सेम है, चार्ज भी सब में सेम है, तो क्या बोल सकते हैं हम इसमें, ये बोल सकते हैं कि कैटायन की साइज इंक्रीजेस, कैटायन साइज इंक्रीजेस, तो कैटायन की साइज इंक्रीज होगी तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, हेंस वी कैन से दैट मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसमें मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्यों इंक्रीज होंगे, क्योंकि कैटायन की साइज़ बढ़ रही है, कैटायन की साइज़ बढ़ रही है तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने ज़्यादा होगा तो उसके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स विल बी मोर। इस कंसेप्ट से बताएंगे अपन इसके अंदर। देखो बेटा कलर अपने पास जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट का जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है अपना, विजिबल स्पेक्ट्रम में हम लेते हैं विबग्योर, VIBGYOR ये है विबग्योर। अब देखो इसमें ग्रीन जो है, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेड, विबग्योर ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है रेड, वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो, और ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ऑरेंज। ऐसे ये कलर्स, ये कलर व्हील है इसके अंदर, मतलब जो भी कोई भी सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स पर्टिकुलर कलर substance which absorbs particular color from visible spectrum, जिस particular color को visible spectrum से absorb करेगा then it transmits complementary color, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री कलर बताए हैं, ट्रांसमिट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर, वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ट्रांसमिट करेगा बेटा, विच कोरोस्पोंड्स टू द कलर ऑफ द कंपाउंड,
विच कोरोस्पॉन्ड्स टू कलर ऑफ द कंपाउंड, वो कंपाउंड के कलर से कोरोस्पॉन्ड करेगा। देखो अब इस बात का तो ये तो अभी आगे आएगा, आपके डीप लोक एलिमेंट्स में आएगा कि कोई भी सब्सटेंस कलर्ड है। क्यों कलर्ड है? क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम से पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ब्लू कलर को एब्जॉर्ब किया है तो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब, ये सॉरी ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया है मान लो, तो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया है तो कौन से कलर का दिखेगा वो, कौन से कलर को ट्रांसमिट करेगा? रेड को। और किस कलर का दिखेगा फिर वो? ये जो जिस कलर को ट्रांसमिट करेगा उसी कलर का दिखेगा। यस सर। नहीं समझे बात? सिर्फ कंप्लीमेंट्री कलर्स कैसे पता लगते हैं? कंप्लीमेंट्री कलर से ही पता लगाएंगे अपन कि किस तरीके से उसको कलर को प्रेडिक्ट करेंगे अपन। तो सर यही कैसे पता लगेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर? विजिबल स्पेक्ट्रम में तो टोटल सात ही कलर है। अब ऐसे तो कलर बहुत सारे होते हैं, नहीं होते? अब जैसे इंडिगो बच गया, इंडिगो बीच में बच गया, तो इनसे मिक्स कलर्स बनते हैं। अपने जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर में बेटा तीन ही तो कार्टेज होती है मेन। यस सर। कलर प्रिंटर में तीन कार्टेज, तो कलर प्रिंटर में तीन कार्टेज होती है, तो वो बाकी मिक्स कलर ये विजिबल स्पेक्ट्रम से मिक्स जनरेट करता है यहाँ पे। ठीक है? यस सर। फजान्स रूल स्टेट्स दैट मोर इजी, ये मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जितनी ज्यादा होगी मोर विल बी द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा होगा और इसलिए वो सब्सटेंस ईजिली कलर डेवलप हो जाएगा। एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करेगा विजिबल स्पेक्ट्रम से, कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ट्रांसमिट करेगा, एंड ट्रांसमिटेड कलर विल कोरोस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द कंपाउंड। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास AgCl है, AgCl, AgBr और AgI, तो देखो इसमें अपने को पता चल रहा है कि कैटायन सब में सेम है और एनायन, यहाँ पे एनायन की साइज बढ़ रही है, तो ये कह सकते हैं हम कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस तो पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। इसलिए जो AgCl होता है बेटा अपने पास, AgCl वाइट होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, और जो AgBr होता है, AgBr डर्टी वाइट होता है, तो डर्टी वाइट मतलब कोई कलर आ गया इसका मतलब इसमें, और AgI जो होता है, AgI येलो होता है, तो इसका मतलब ये कलर डेवलप हुआ बिकॉज पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस। जैसे Ag2CO3 आएगा तो Ag2CO3 ये येलो कलर का होगा, तो वो येलो कलर का किसकी वजह से है? ये बिकॉज ऑफ दिस लार्ज एनायन, लार्ज एनायन होगा तो पोलराइजिंग पावर इसकी इतनी ज़्यादा होगी, हेंस इट डेवलप्स अ पर्टिकुलर कलर। ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स ले लें, फॉर एग्जाम्पल SnCl2 और एक है अपने पास SnI2, तो SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और ये स्टेनस आयोडाइड, SnCl2 वाइट है बेटा क्योंकि इसके अंदर एनायन छोटा है, और ये जो SnI2 अपने पास ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें एनायन बड़ा है, और ये इसका इंक्रीज, ये ऑर्डर हो गया, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजिंग पावर। तो इस तरीके से अपन एक कलर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि जितना ज़्यादा कलर, एनायन बड़ा होगा तो उसके अंदर पर्टिकुलर कलर होगा क्योंकि पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा होगी। अब एनायन बड़ाई की कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, मोर इज द पोलराइजिंग पावर मोर विल बी द चांसेस ऑफ द कलर इन द कंपाउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, सो थैंक यू।